हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आ चुका है आपका भाई वापस एक और रिएक्शन लेके। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं, इट्स द सेकंड ट्रैक फ्रॉम द राजा ईपी बाय हेलैक। सो ट्रैक का नाम है बॉम्बे और इसमें हेलैक के साथ फीचर कर रहे हैं थोराट और साथ में है यंग गालिफ। तुम इन्हें बोल सकते हो द सुपरस्टार्स ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स, यार ये तो बोल ही सकते हो बिना कोई संदेह, बिकॉज तीनों बंदे बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अब हम आ चुके हैं, सो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन स्ट्रेट अवे। एंड टू ऑल द हेलैक फैंस, टू ऑल द थोराट एंड यंग गालिफ फैंस, अगर तुम बंटाई रिकॉर्ड के फैंस हो, रिएक्शन देख रहे हो, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। बूम, निकला घर के बाहर मैं, प्राउड है पूरी सिटी पब्लिक हक से आवाज दे, छता ही ने कभी करियर पे सवाल थे या चले मेरे गाने सक्सेस से जवाब दे। ये सही था यार, जितने बंदों ने मेरी करियर के बारे में पूछा था, जितने बंदों ने मुझे डाउट किया था, अभी जो मेरे गाने हैं, जो सक्सेस मुझे मिली है, ये मतलब उनको जवाब दे रहे हैं। जितना क्रिटिक्स था, जितने क्रिटिसिज्म थे, सबको ये जवाब दे रहे हैं, जो ये सक्सेस अब मिल रही है। सो दैट्स अ गुड पार्ट। अभी करियर पे सवाल थे या चले मेरे गाने सक्सेस से जवाब दे। एची डबल ले लिसी है सबके सपान पे, छोड़ा मैंने सबको जब बात आती काम पे, कोई नहीं है साथ तो अकेले मैं भंडो के, रात करते शान से हम बात करते चान से, फैल रहे ले फड़े अभी फैलना है बाकी, तुम्हारे जैसे लोगों से हम दूर रहते काफी, जो गलती है अपनी तो हक से ले माफी, जो गलती है उसकी तो फटके दे रांटी, जब फटके लटके ना रह तू अटके रहे हटके फुल पट्टे है, गलती है उसकी तो फट से दे रांटी। दैट वाज अ गुड रांटी, मींस समथिंग रिलेटेड टू सम मराठी स्लैंग, मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन आई कैन फील दैट इमोशन की अगर अपनी गलती हो तो भाई वहां पे हाथ जोड़ के माफी मांग लो, लेकिन अगर सामने वाले की गलती हो और बेफालतू की बातें कर रहे हो तो झापड़ मार के साइड हटो। सो आई गॉट दैट, है उसकी तो फटके दे रांटी, जब फटके लटके ना रह तू अटके रहे हटके फुल पट्टे है, लोग खटकते कर पैसे का माज लगा सट्टे पे सट्टे, लास्ट ओवर हम युवराज छे बॉल पे जे छक्के, छोड़े सोच मत डाल दे हम युवराज छे बॉल पे। यार सोच रहे हो, ये मतलब 2007 का सीन है, ये जो युवराज वाला रेफरेंस था, लेकिन आज भी 2021 में भी आज जब हम सुनते हैं 14 साल बाद तो सारी मेमोरीज वापस रिफ्रेश हो जाती है, बिकॉज हमने वो वर्ल्ड कप देखा था, पहला वर्ल्ड कप 2020 का जो इंडिया ने जीता था, कितने बार हमने ये रेफरेंस सुना है, लेकिन जितने बार हम सुनते हैं वो 14 साल पहले वाली जो मेमोरी होती है वो वापस रिफ्रेश हो जाती है। बहुत हार्ड है सट्टे, लास्ट ओवर हम युवराज छे बॉल पे थे छक्के, छोड़े सोच मत तू डाल दे सोन अपना बॉम्बे, नाइस, छोड़े सोच मत तू डाल दे, ये पूछे आया किधर से तू हक से बोल बॉम्बे, छोड़े सोच मत तू डाल दे सोन अपना बॉम्बे, छोड़े सोच मत तू डाल दे, ये पूछे आया किधर से तू हक से बोल बॉम्बे, ओ क्या बोलते बामा पोटी पर टेली तो सीधा तू जमा खुद से रख मत। इज इट थोराट? आवाज तो वापस हेलैक जैसी लग रही है, ये थोराट है, बिकॉज दोनों बंदों की आवाज कहीं ना कहीं सिमिलर है, वोकल्स दोनों के सिमिलर है, थोड़ी हाई पिच में दोनों के रहते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज में हो जा रहा हूं कि ये थोराट है या फिर हेलैक है जो हुक के बाद वापस स्टार्ट हुआ, शायद थोराट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अगर तेरे को जीना है तू कोर्ट जितना गिनना, ये नोट उतना गिनना, एक खंबा खुद खोलते एक ठोलो को पिलाए, भगा के करे राइट बाजू में मरीन ड्राइव, मरेरिया के कोने कोने में बनते भाई, हम सोचते वो बोलते और करके भी दिखाए, खुद का तरीका है खुद से मैं सीखा है इसलिए मैं टिका है कल्याण सिटी भाई, गाने में लिख रहा तू ढूंढ रहा सविता है, मैं स्पिट कर रहा बार्स और ये लिख रहे कविता जो भी था। ये हार्ड था ब्रो, ये हार्ड था कि मैं गाने लिख रहा हूँ और ये सविता, ये तू ढूंढ रहा है सविता, मींस मोस्ट प्रोबेबली अ रेफरेंस टू सविता भाभी सीरीज, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमने गलती से देख लिया और हम यार क्या बोले टॉक्सिक हो गए, गंदे बच्चे हो गए। सो दैट वाज अ गुड वर्ड कि इस उम्र में जब मैं बार्स लिख रहा हूं तब ये लौंडे मतलब सविता भाभी ढूंढ रहे हैं। सो समझ रहे हो ना, कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद ऑल द अदर जंकीज ऑन द हुड, सो दैट्स अ गुड वर्ड। थोड़ा पीछे चलते हैं, गाने में लिख रहा तू ढूंढ रहा सविता, मैं स्पिट कर रहा बार्स और ये लिख रहे कविता, जो बीता है वो लिखा है गली का सलीका है, तू डुब कर मैं चीता है, ये वोट बोले खुद को तू बकरा वाली का है। तू बकरा वाली का है। ये अच्छा था, ये गोट बोले खुद को तू बकरा वाली का है। दिस कैन बी अ शॉट टू ऑल द पीपल जो खुद को सेल्फ क्लेम्ड करते हैं एज गोट। तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर मतलब बहुत लोग बोल सकते हैं कि ही इज टेकिंग शॉट एज मे बी कृष्णा, मे बी MC Stan, कुछ भी हो सकता है ब्रो, बिकॉज हमें, हम जब भी ऐसा कुछ सुनते हैं ना,
इट सीम्स लाइक कि भाई शॉर्ट ले रहा है, भाई शॉर्ट ले रहा है, लेकिन लिखने के पहले क्या माइंडसेट था वो हमें नहीं पता. सो इट कैन बी फॉर दोस टू, या फिर हो सकता है उनके लिए जो खुद को खुद गॉड बोलते हो. गॉड नोज मैन, गॉड नोज. सो लेट्स चेक इट फर्दर. ये बोल बोले खुद को, तू बकरा वाली का, तू बकरा वाली का. हकीकत में पब्लिक पे पढ़ते सर रास, इन रैपर्स में हल्ला का अलग वजह, जबान ये मवाली ये. सो अभी तक हलाकी कर रहा था, मुझे लगा थोराट का सेकंड पार्ट था, बट आई गेस अभी तक हलाकी कर रहा है. पब्लिक पे पढ़ते सर रास, इन रैपर्स में हल्ला का अलग वजाम, जबान ये मवाली ये बोली सड़क, मचाते जब सबका ध्यान अपनी तरफ. हकीकत में पब्लिक पे पढ़ते सर रास, इन रैपर्स में हल्ला का अलग वजाम, जबान ये मवाली ये बोली सड़क, मचाते जब सबका ध्यान अपनी तरफ. कैसी लगी विलन की एंट्री, हीरो का रोल मुझे जमा नहीं, बचपन से जीता मैं ठग पर टूपाक के बिना नहीं. माँ बोली पीना नहीं, कौन बोला सीना ने 46 की छाती, तू बनता कुत्ता जब बनता मैं हाथी, नहीं मिलती शांति में बचपन से असली तू बचपन. अब लग रहा है दिस इज थोराट आई गेस. यार मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ हेलैक और थोराट के बीच में. अब लग रहा है द लास्ट फ्रॉम द लास्ट 6 वर्ड्स अब शायद थोराट आया हुआ है यहाँ से. मैं ठग पर टूपाक के बिना नहीं, माँ बोली पीना नहीं, कौन बोला सीना ने 46 की छाती, तू बनता कुत्ता जब बनता मैं हाथी, नहीं मिलती शांति में बचपन से असली तू बचपन से नकली. आने दे टाइम पहनूंगा वर्सासी, मैंने 3 वर्षिया ची गेली नहीं वाया, तू बस पी तेरे पाया, मैं सड़क से निकल के स्टूडियो में आया, वो थाड़ गाना हमने भूखे पेट गाया, जो मैंने देखा तू देख नहीं पाया. That's a reference back to बहुत hard. तो ये for sure थोड़ा था, because around at the end of और early 2020 track आया था MUVA के साथ थोड़ा का बहुत hard. क्या ही amazing track था यार. और यहाँ पे मुझे थोड़ा यार बहुत तगड़ा लग रहा है. पहला जो हाफ था, द वे ही इज रैपिंग, वो भी बहुत मजेदार था. इन द सेकेंड पार्ट जहां पे उसने मेलेडियस फ्लो शुरू किया है, यहाँ पे अभी फिलहाल फ्रॉम द लास्ट 4 पार्ट जहां पे मेलेडियस फ्लो में कर रहे हैं भाई, वो भी काफी तगड़ा लग रहा है. मैंने 3 वर्षिया ची गेली नहीं वाया, तू बस पी तेरे पाया, मैं सड़क से निकल के स्टूडियो में आया, वो थाड़ गाना ने भूखे पेट गाया, जो मैंने देखा तू देख नहीं पाया, सब गए छोड़ पर एक नहीं गया मेरा साया. हाय हाय, दैट वाज गुड. सब गए छोड़ कोई एक नहीं गया, क्या मेरा साया, मेरा शैडो ब्रो, जितना भी खराब समय हो तेरा शैडो हमेशा तेरे पास होगा. दैट वाज गुड वन. सबको पता कितना शांत मिजाज में, कैसे बैठू शांत जब मेरे भाई आवाज दे, जितना देते मुझे गम में साथ, उतना खड़े रहते साथ मेरे हर एक कांड में. अलग जोन होम टाउन मेरा बॉम्बे, म्यूजिक करता बूस्ट मुझे फील करूँ स्ट्रॉन्ग में, भाई साथ खड़े सोचे बिना जब भी साथ, छोड़ा सीना नकल शफल बार्स देता जॉन में. See me and you can even see the visions I can see, आगे बढ़े अब आगे बढ़ाना लेगेसी, अपने जले अब गांड जलाना हेटर्स की, गूगल से घूमे दुनिया और गेन करा नॉलेज भी, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ी मेरी क्वालिटी, भिड़ने आए बच्चे हट जरा ले मी सी, मेरे साथ वाले ओ जीज, तेरे साथ वाले वन्नबीज. भाई एक बात है अबाउट यंग गालिब, जब तुम भाई को देखोगे, भाई की पर्सनैलिटी देखोगे, ही सीम्स टू बी अ काम गाय, बहुत शांत बंदा दिखता है, बट वेन ही रैप्स ही स्पिट फायर ब्रो, ही स्पिट फायर दैट्स फॉर श्योर. और जो बंदे की वॉइस है ना बहुत ज्यादा डीप है और बहुत तगड़ी है. वाले ओ जीज, तेरे साथ वाले वन पीस, आगू स्टेज सर्वर पे वार दे ले, 307 दिन केस के कितने बार पार के ले, जितना आज नाम के ले उतना ही कांड के ले, फैमिली पहला फिर दोस्तों पे जान दिल, क्लासी हूँ उतना हाँ उतना ही नॉडी, पहले ही मीटिंग पे पलंग पे शॉरी, बोलता नहीं सच में मैं हल्लक तक देता, चाहे मार मार के दम हुई खोखली ये छाती, छोड़े सोच पर तू डाल दे, जोन ऑफ द बॉम्बे, छोड़े सोच पर तू डाल दे, वट अ ट्रैक. यहाँ पे यार साथ में MUVA भी होता ना तो भाई आग लगा देता, बट यहाँ पे तीनों बंदे भाई चीड़ फाड़ कर दिया. I was expecting कि हाँ ट्रैक अच्छा होने वाला है, समथिंग aggressive, बट यहाँ पे द वे थोराट का वो melodious flow था, उसके ऊपर से यंग गालिब सोने पे सुहागा, और क्या ही शुरुआत की है हलैक ने भाई साहब. स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे पसंद आ रही यार हलैक. शुरुआत में जब मैं हलैक के गाने सुना करता था, मुझे वो पिच बहुत ज्यादा, जो भाई की पिच मतलब नेचुरली गले में जो पिच है, आवाज में जो पिच है, वो थोड़ी हाई रहती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे मैं और गाने सुनते जा रहा हूँ, मुझे हलैक पसंद आ रहा है, भाई का स्किल्स भी पसंद आ रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट थोराट,
बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है यार बंदे में, बहुत ज्यादा। लास्ट 6 महीने 8 महीने जितने ट्रैक्स आए हैं उसमें तुम ग्रेजुअली देख रहे हो, हर एक ट्रैक के साथ बंदा बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। एंड यंग अलीम, ही इज ऑलरेडी अ स्टार बिकॉज बंदे में बहुत तगड़ा दम है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्यार देना, और मिलते हैं अगले रिएक्शन पे। तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।